डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, मैनपुरी में मौजूद हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी से? कमल खिलेगा, विश्वास है, अपेक्षा ही नहीं है और अपील भी है सबसे कि कमल के फूल पे उड़ दो और सैफई परिवार की गुंडागर्दी का सदा सदा के लिए अंत कर दो। गुंडा तो वो आपकी सरकार को कह रहे ये सरकार नहीं चल रही, राम गोपाल जी कह रहे हैं गुंडों का गिरोह है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जानती है कि गुंडे कौन है, अपराधी कौन है, माफिया कौन है और सुशासन देने वाले, सत्य के पथ पर चलने वाले कौन लोग हैं। वह 5 साल का हमारा पिछला सरकार का कार्यकाल जनता के सामने इस बात के लिए उदाहरण है और उनकी सरकार जब जब रही है तब तक हर समय कर्फ्यू जैसे माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता को जीवन जीना पड़ा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ये था कि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो ताकत के दम पे चुनाव लड़ रही है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए, ड्यूटी नहीं लगाई गई, वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिए गए, इस तरह के आरोप आज लगाए राम गोपाल। चुनाव हारने की जब उनको पूरी स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है तो हारने के बाद की एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि क्या आरोप लगाएंगे, वो बहाने तलाश रहे हैं। आजमगढ़ हारे हैं, रामपुर हारे हैं, मैनपुरी हारने जा रहे हैं, कमल खिलने जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी उसको इस बार समाप्त किया जाएगा और मैनपुरी में एक बार कमल का फूल फिर से जो है वो खिलने के लिए जा रहा है। लोगों से यही अपील है कि भाजपा को वोट दें। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।